जय जगन्नाथ। हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फिजिक्स प्रेप। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स अलजेब्रा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएचयू एमएससी एंट्रेंस देन फॉर यू वी अपलोड ए वीडियो सोल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन ऑफ बीएचयू एवरीडे एट 8 PM। Please watch this video regularly. It will help not only for BHU MSc entrance but also for other university MSc entrance like SCU, JNU, DU, CU, CET, CPET and many more. तो यदि आप मैट्रिक्स अलजेब्रा का पहला दो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है? उसको जाके जरूर देखिए, इसके बाद इसको देखना है आपको। तो आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। मैं कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सपोज 1, 2, 3, 4 इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे तो 1 × 4 − 2 × 3 कितना हो जाएगा, 4 − 6 − ये तो हो गया। और एक देखते हैं 1, 2, 3 1 × 1 1 × 1 2 इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखते हैं। पहले ये वाला है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो 1 × 2 2 × 2 4 − 1 − 2 1 × 1 1 इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 − 2 × 1 प्लस 3 1 × 1 1 − 1 × 2 कितना हो जाएगा, 3 − 2 × −1 + 3 × −1 3 + 2 − 3 आंसर हो जाएगा 2। तो ये 2 by 2 और 3 by 3 आप तो इजीली निकाल सकते हैं। अभी हम निकालेंगे 4 by 4 मैट्रिक्स के लिए कैसे निकाल, 4 by 4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालें, ठीक है? सपोज एक दिया है कि 0 1 0 2 − 1 1 1 3 0 0 0 2 and 1 − 2 0 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रूल पता होना जरूरी है, तो रूल क्या क्या है उसको भी जानना जरूरी है। फर्स्ट रूल क्या है, कन्वर्ट द मैट्रिक्स सच दैट इट कंटेन्स only one non-zero element in a row यदि आपका कोई भी मैट्रिक्स है उसमें वन non-zero element है रो में तो उसको ले लीजिए, नहीं तो यदि नहीं है तो उसको मैट्रिक्स में ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए कि ऐसे एक वन नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट, को फैक्टर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, डिटरमिनेंट इक्वल टू को फैक्टर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट। नेक्स्ट रूल क्या है, they have already given one non-zero element
इन ए रो। टेक द एलिमेंट टेक द एलिमेंट यदि गोट ये इफ आपका कोई भी मतलब रो में वन नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो ही एलिमेंट को ले लेना है। तो नेक्स्ट रूल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट रूल है वी हैव कन्वर्टेड कन्वर्टेड बाय ऑपरेशन। डोंट टेक द एलिमेंट बट टेक द साइन। ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डोंट टेक द एलिमेंट बट टेक द साइन। तो एक एग्जांपल लेके करेंगे, दोनों एग्जांपल देखते हैं किस। यदि आपको कोई भी नॉन जीरो रो नहीं दिया है तो आप यदि कन्वर्ट करेंगे तो एलिमेंट को नहीं लेना है आपको, ओनली उसके साइन को लेना है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, दोनों एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला है 0102 -1113 0002 1-2 01। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल दिया है। तो पहले हम चेकिंग चेक करेंगे कि नॉन जीरो रो है या नहीं। वन नॉन जीरो रो है, ठीक है, मतलब नॉन जीरो रो बोल रहा हूँ, सॉरी वन नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। वन नॉन जीरो एलिमेंट वन रो में होना चाहिए, तो इसमें है तो इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, जैसे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स -1, इसका रो कौन सा है 3 है, कॉलम कौन सा है 4 है, तो -1 3+4 (2)(2), ये वाला इसको छोड़ने के बाद डिटरमिनेंट क्या हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये लाइन को छोड़ देंगे और ये लाइन को छोड़ देंगे, तो डिटरमिनेंट लिखिए 0 1 0 -1 1 1-2 0 1-2 0। तो ये हो गया -2 हो गया। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 (-1), तो आपका आंसर हो गया -2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। फिर मैं ये गलत कर दिया, ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ से खोल देंगे तो ये हो जाएगा -1, तो -1 हो गया, तो 1 into 0 into 1 -1 1 into 1 1, तो -1 हो गया, तो -2। ठीक है, और नेक्स्ट एक देखते हैं हम, यदि वो नॉन जीरो रो वाला है तो उसको हम कन्वर्ट करके करेंगे। यदि आपका नॉन जीरो रो नहीं दिया है, नॉन जीरो एलिमेंट ही नहीं रो नहीं दिया है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। 5 4 0 -1 1 0 -5 6 0 -3 2 0 -10 6
1, 4, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट इन रो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे। सी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2C2 प्लस 3C3 प्लस 3C3। तो ये ऑपरेशन करने के बाद हमारा हो जाएगा 5, 8, 0 माइनस 1, 1 माइनस 15 माइनस 5, 6, 0, 0, 2, 0 माइनस 10, 15, 1, 4। ठीक, अभी इसको सॉल्व करते हैं। एक नॉन जीरो रो आ गया, नॉन जीरो एलिमेंट ही रो आ गया। तो ये केस में हमको क्या करना है, जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसमें ओनली साइन को लेना है और एलिमेंट को नहीं लेना है। तो माइनस वन, इसका रो कौन सा है, 3 है, कॉलम कौन सा है, 3 है, 3 प्लस 3। अभी इस ये रो को छोड़ देंगे और ये कॉलम को छोड़ने के बाद जो डिटर्मिनेंट है लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको साइन को लेना है और रो एलिमेंट को नहीं लेना है। 5, 8, 0, 1 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 10, 15, 1, सॉरी सॉरी गलत कर दिया, 5, 8 माइनस 1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसके क्या हो जाएगा, माइनस 10, 15, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस 11, 2, 7, दिस इज योर आंसर। तो आपको तो 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है ये तो आ गया होगा अभी, और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे डिटर्मिनेंट का। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट उसको देखिए। यदि आपका ए बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी होगा तो ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। एक ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, तो ये भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। के ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, के टू द पावर एन, ए हो जाएगा, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर है। ए बी इक्वल टू बी ए होगा, कब होगा, इफ बोथ हैव ए एंड बी बोथ हैव सेम ऑर्डर, बोथ हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में और कुछ जानेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से आना जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम एटॉमिक का पूरा सीरीज ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद आपका मैथमेटिकल अभी चल रहा है एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पूरा वीडियो भी है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू, जय जगन्नाथ।